हेलो दोस्तों, सारे जी नमस्ते। अपने यूट्यूब चैनल डी शपटास्टिक च तुहां दा बड़ा बड़ा स्वागत है। ता देखिया अज दी रेसिपी है मेरी राजमा दा मदरा। मदरा दा मतलब हुंदा है दहियां दा तड़का बनाउणा, मतलब दहियां च ये राजमा बणदे। ते इसी तरीके इसने बोलदे राजमा दा मदरा। कने जियां चणियां दा मदरा बनांदे, सिप्पू बढ़िया दा मदरा बनांदे, कने अज मैं इह राजमा दा मदरा बनाया। तुहां देख ही सकदे किन्ना वधिया बणिया, रंग देखा तुहां किन्ना वधिया आया। आ देखा ते खाने में भी बड़ा स्वाद लगता, रोटियां भाते कने बड़ा वधिया लगता। कने हिमाचली दाम दी एक फेमस रेसिपी है, फेमस डिश है, तो तुहां भी जरूर ट्राई करनी राजमा दा मदरा। कने कमेंट करके जरूर दसीना कि तुहां जे रेसिपी किते दी लगी है। कने अपना यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब भी करी लेना। तो चला देखते कहीं अज मैं राजमा दा मदरा बनाया है। तो रेसिपी स्टार्ट करी लेंदे पर अपने अंदाज में, यानी डी शपटास्टिक स्टाइल। तो अब सबसे पहले हम राजमा को बॉईल करेंगे और उसके लिए यहाँ लिया है 200 ग्राम राजमा, जिसे अच्छे से धोकर रात भर भिगो कर रख दिया था। और इसके साथ डालेंगे एक चम्मच नमक और अब इसे 12 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए। बस 3 विसल लगवाने हैं आपने इसमें, ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि राजमा जो है ना हमारा खड़ा खड़ा ही रहना चाहिए। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं, राजमा हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और पूरी तरह से गले भी नहीं है। और साथ में हमने लिया है दही, और दही भी हमने उतना ही लेना है जितना हमने राजमा यूज़ करना है, यानी कि ये 200 ग्राम दही है और दही हमारी अच्छी थिक भी है। अब एक छोटा चम्मच में चावलों का आटा डालना है, और अगर नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि दही इससे फटती नहीं है। साथ ही आप इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच भरकर इसमें धनिया पाउडर डालना है, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे बढ़िया कलर आएगा, और ये साथ में थोड़ा सौंठ पाउडर डाल दीजिए, मतलब कि ड्राई जिंजर। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा राजमा के अंदर। और इसके साथ आधा छोटा चम्मच सौंफ पाउडर डाल दीजिए, और हाँ सौंफ पाउडर जो है वो सौंठ पाउडर से थोड़ा ज़्यादा डालना है। और इसके साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च भी डाल देते हैं। और अब इन सब मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन मसालों को दही के साथ मिक्स करके इसलिए डाला जाता है क्योंकि एक तो जब मसालों को हम तड़के में डालें तो मसाले जले नहीं, और दूसरा दही हमारी गड़ल ना हो, यानी कि दही फटे ना। तो ये देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ हमने कढ़ाई ली है और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह हिमाचली धाम यानी कि शादी में बनाई जाती है, तो इसका असली मज़ा तो देसी घी में ही है। और काफ़ी घी का इस्तेमाल किया जाता है मदरा बनाने के लिए। और घी गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 से 2 सूखी लाल मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्रीफुल यानी स्टार एनिस और 3 छोटी इलायची। पर अब मीडियम फ्लेम पे आराम से मसालों को तड़कने देना है, मसाले यहाँ पे जलने नहीं चाहिए। तो अब मसाले हमारे यहाँ अच्छे से तड़क गए हैं और इनका सारा फ्लेवर घी में आ गया है। अब गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और दही के साथ जो मसाले मिक्स करके रखे हैं ना वो ऐड कर देते हैं। अब आपने यहाँ पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और देखिए जो दही बाउल में चिपका हुआ रह जाए ना, उसे ऐसे निकाल के कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए। अगर हम पानी डालेंगे तो दही पतली हो जाएगी, तो उसके कर्डल होने यानी कि फटने के चांसेस हैं। और अब गैस की फ्लेम मीडियम रखिए, और मीडियम फ्लेम में अब आपने दही को बॉयल आने तक लगातार चलाते रहना। और देखिए जैसे ही दही में बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद आप छोड़ दीजिए और दही को आराम से मसालों के साथ पकने दीजिए। और गैस की फ्लेम आप इसके बाद मीडियम टू हाई रख सकते हैं। और अब ये देखिए दही हमारी यहाँ कर्डल भी नहीं, क्योंकि दही के साथ हमने मसाले डाले थे और मसालों के साथ थोड़ा राइस फ्लावर भी डाला था, तो हमारी दही यहाँ पे फटी नहीं है। और अब इसे ढककर लो फ्लेम पर घी अलग होने तक पकाएंगे। हमने यहाँ अच्छे से अपने मसालों को पकाना है जब तक कि अच्छी तरह से घी ना छोड़ दे। तो देखिए घी अलग हो गया ना, तो अब हम यहाँ नमक ऐड कर देंगे। कभी भी दही में पहले नमक नहीं डालना चाहिए, कड़ी भी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं ना, तो नमक पहले मत डालिए, नहीं तो आपकी दही के फटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं वहाँ पर। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच कसूरी मेथी, बस कसूरी मेथी लीजिए और उसे क्रश करके डाल दीजिए। और अब राजमा को पानी से अलग कर देना है, और जो सिर्फ राजमा है ना उसे मसाले के अंदर ऐड कर देना है। तो देखिए अब अगर आपके राजमा खड़े खड़े हैं ना,
तो राजमा को इसी मसाले के साथ 5 से 7 मिनट पकाइए। पर अगर बॉयल करते हुए आपके राजमा थोड़े ज़्यादा पक गए हैं तो बस यहाँ 2 से 3 मिनट ही पकाना है। तो हमारे राजमा थोड़े खड़े खड़े हैं तो इन्हें ढक कर धीमी आंच पर पकने देते हैं ताकि राजमा और मसाला अच्छे से आपस में मिल जाएं। तो ये देखिए ज़बरदस्त कलर आया ना इसका। अब बस ये आधा चम्मच गरम मसाला और हरा धनिया, जी बिल्कुल आपकी श्रद्धा के अनुसार, और इसे एक बार मिला लेते हैं। और इन खड़े मसालों का काम हो चुका है तो इन्हें मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। पर सच में बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इन मसालों की, और जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे ना तब पता चलेगा कि कितनी बढ़िया खुशबू आती है मसालों की। और थिकनेस देखिए, आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही है ना थिकनेस, पर इतनी ही थिकनेस होती है जो मदरा होता है। कहीं कहीं तो इससे भी ड्राई ड्राई मदरा बना के तैयार किया जाता है। और अगर आपको इतना थिक नहीं पसंद या फैमिली थोड़ी बड़ी है तो राजमा का बचा हुआ थोड़ा पानी डाल सकते हैं, पर पानी थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं करनी है आपने, क्योंकि मदरा थिकी होता है। और ये अब तैयार है तो आइए इसे एक डिश में निकालते हैं। ये ऊपर सूखी लाल मिर्च और ये धनिया। और अब हमारा राजमा का मदरा बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। और आप इसे किसी के साथ भी सर्व कीजिए, रोटी के साथ, राइस के साथ, बढ़िया ही लगेगा। और देखिए कितना आसान है मदरा बनाना, तो एक बार बनाना तो बनता है। तो बस बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये हिमाचली रेसिपी कैसी लगी। और अगर पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और नीचे ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना इसे भी प्रेस करें, और हाँ साथ में बेल आइकन भी, ताकि ऐसी ही स्वादिष्ट और नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक बी सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड धन्यवाद।